जो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। जो टॉपिक था हमारा द प्लांट्स वर्ल्ड, और मैंने इसमें बताया था जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को पार्क में लेकर गई हैं और अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में उनको समझा रही है। आज उसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने ट्री और हर्ब्स के बारे में आपको समझाया था, आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। राहुल, इट मीन्स दिस इज़ द रो ऑफ द हर्ब्स प्लांट। राहुल ने मैम से पूछा था कि हर्ब्स क्या होते हैं, तो उनके टीचर ने बताया था ग्रास है, हर्ब्स मिंट है, तुलसी है, ये क्या है, हर्ब्स है। तो अब वो कह रहा है कि ये वाली रो क्या है, हर्ब्स की है। टीचर, यस राहुल, हेयर यू कैन सी ग्रास मिंट एंड तुलसी। आप इसमें देख सकते हो कि ग्रास, तुलसी और मिंट हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। वी सी सम ऑल स्मॉल प्लांट्स लाइक रोज़ के पेड़ हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, दे आर स्मॉलर देन ट्री। जो रोज़ का प्लांट होता है तो वो क्या होता है, पेड़ से छोटा होता है। दे आर कॉल्ड श्रब्स, तो ये क्या कहलाता है, श्रब कहलाता है। जो फूलों के पेड़ होते हैं वो पेड़ों से छोटे होते हैं। अब जैसे आम का पेड़ है, उसके कंपैरिजन में जो रोज़ का पेड़ होता है वो छोटा होता है। गेंदे का पेड़ जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और जो गुड़ैल के फूल होते हैं वो भी छोटे पेड़ पर ही लगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। देन निकिता, हो दी श्रब्स आर बियरिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वो कहती है हाँ, ये वाले श्रब्स जो पेड़ छोटे पौधे हैं उन्होंने क्या कर रखा है, फ्लावर्स को, ब्यूटीफुल फूल हैं इनके ऊपर तो बहुत सारे। टीचर, टीचर, हैव यू सीन द प्लांट्स हैविंग थ्रंस ऑन इट्स बॉडी। क्या तुम देख सकते हो कि कुछ पेड़ों के ऊपर क्या है, थ्रंस हैं, छोटे छोटे कांटे हैं। अनुज, यस आई हैव सम ऑफ सच प्लांट एट माई हाउस। जो अब अनुज है वो कह रहा है हाँ, मेरे घर पे एक ऐसा प्लांट है। टीचर, सच प्लांट आर कॉल्ड थर्नी प्लांट्स। वो कहते हैं हाँ, उनको क्या बोलते हैं, थर्नी प्लांट बोलते हैं। वी कैन सी थ्रॉन्स ऑन कैक्टस प्लांट एंड लेमन प्लांट। जो कैक्टस का पेड़ होता है, पौधा होता है, या जो नींबू का होता है, उन पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ये इस पर देखिए, तो थ्रॉनी बोलते हैं इनको, ठीक है बच्चों, थ्रॉनी प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद हैं अनुज, मैम आई हैव अ किचन गार्डन एट माई हाउस, माई मदर हैज़ ग्रोन सम प्लांट्स इन इट। तो अब उसके बाद अनुज कहता है कि मैम हमारे घर में तो किचन गार्डन भी है, जिसमें क्या है, उसमें हमारी मम्मी अलग अलग तरीके के प्लांट्स को कर रखा है। सी पुट्स अ सपोर्ट्स फ्रॉम देम। वॉट आर दीज प्लांट्स कॉल्ड। जो हमारी मम्मी ने अपने बगीचे में जो पेड़ लगा रखे हैं उनको क्या कहते हैं। टीचर, सम प्लांट्स आर वेरी वीक। कुछ प्लांट्स बहुत कमज़ोर होते हैं, दे नीड सपोर्ट्स टू स्टैंड स्ट्रेट। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं और जिनको खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर। इस तरीके के पेड़ों को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं, क्योंकि उनको चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही मनी प्लांट होता है बच्चों, पी प्लांट होता है जिस पर मटर उगती है, ठीक है, और ग्रेप्स जिस पर ग्रेप्स की बेल होती है, ग्रेपविन, ठीक है, उसमें भी बेल होती हैं। ये इनको क्या होती है, ये इनको सपोर्ट होता है, ज़रूरत होती है चढ़ने की, ठीक है। अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई भी क्लाइंबिंग करने के लिए, चढ़ने के लिए, तो ये क्या करेंगे, ज़मीन पर ही फिर नीचे नीचे ही फैलना शुरू कर देंगे। मनी प्लांट्स, पी प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन आर क्लाइंबर प्लांट। और इस तरीके के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम क्लाइंबर प्लांट्स बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव अ डिफरेंट लीव। और हर तरीके के प्लांट जो होते हैं उनके लीव्स भी बिल्कुल अलग अलग तरीके की होती हैं। हेयर आर सम लीव्स कलेक्टेड फ्रॉम द पार्क। आइए आप भी छोटे छोटे पेड़ों से अलग अलग तरीके की लीव्स को, पत्तियों को कलेक्ट करिए और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। बच्चों, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आपको इसको अच्छे से समझना है, और जब आपका नेक्स्ट टर्न होगा उस पर मैं आपकी बुक एक्सरसाइज को आपको सेंड करूँगी, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस डे।